हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ये लुक मैंने क्रिएट किया है हेल्दी सेरेमनी मेकअप का लुक। आप इस लुक को अपनी हेल्दी फंक्शन में कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा इजी है और आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो इस लुक को मैंने कंप्लीट किया है येलो प्लेन साड़ी के साथ। ये साड़ी मुझे मेरी ही हल्दी पे मेरे ससुराल वालों की तरफ से मिली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी साड़ी पे मैं ये लुक क्रिएट करूँ। और इसके साथ मैंने सीक्वेंस का ब्लाउज पहना है और ये ज्वेलरी पहनी है। ये ज्वेलरी आपको इजीली मार्केट में मिल जाती है आसानी से। तो ये लुक कैसा लग रहा है प्लीज़ ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अक्सर क्या होता है कि आप हल्दी वाले दिन किसी पार्लर में अपने आप को रेडी करने नहीं जा सकती और समटाइम आप किसी पार्लर वाले को अपने घर बुला भी नहीं पाते क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे गेस्ट होते हैं। तो अच्छा होगा इस तरीके का मेकअप आप खुद ही सीख लें और खुद ही कर लें। तो ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया प्लीज़ पूरा ज़रूर देखना। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ले रही हूँ प्राइमर। देखो प्राइमर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लैक्मे का लगा रही हूँ। तो पहले आप अपनी स्किन को प्रिपेयर कर लेना। प्रिपेयर कैसे करेंगे, आपको क्लिंजिंग करनी है, टोनिंग करना है, मॉइस्चराइज़र करना है, फिर उसके बाद आपको मेकअप के सारे प्रोसेस करने हैं। तो वहाँ मैंने लगाया था प्राइमर। प्राइमर के बाद मैं लगा रही हूँ कंसीलर। तो कंसीलर अगर आपके स्पॉट्स हैं फेस पे, ठीक है, अगर आपके पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, तो उस समय पे क्या लगाना है आपको करना है कंसीलर पहले। तो मैंने वहाँ पे कंसीलर कर लिया था। उसके बाद में मैंने यहाँ पे लिया है क्रायलोन का फाउंडेशन, ठीक है। फाउंडेशन तो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, बस आपका जो करने का जो तरीका ना वो अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन और उसको फिर मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड करूँगी ब्रश की हेल्प से। आप उसको ब्लेंडिंग ब्रश से भी लगा सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं, या फिर आप ब्रश के हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं, या फिर आप फिंगर के हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं। तो ठीक है, ब्लेंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, टाइम देख के आपको ब्लेंडिंग करनी है, क्योंकि अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होगी तो वो आपका मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और स्मूथ रहेगा। तो ब्लेंडिंग अच्छी करें। इसके बाद में मैं यहाँ पर ले रही हूँ फ्लोरल का फाउंडेशन और उसको मैं अपनी नेक पे लगा दूंगी। तो जब भी आप मेकअप करें आप ध्यान दें इस बात का कि वो मेकअप आपके कान पे भी होना चाहिए और गर्दन पे भी होना चाहिए। खाली फेस पे करके मत छोड़ना, बहुत बुरा लगेगा, वो आपका फेस अलग लगेगा और गर्दन अलग लगेगी, ठीक है। उसके बाद में अब मैं कर रही हूँ अपने अंडर आइज के नीचे हाईलाइट। मैं लगा रही हूँ कॉम्पैक्ट। तो जब भी आप फाउंडेशन कंसीलर लगाएं तो उसको कॉम्पैक्ट के साथ या फिर लूज पाउडर के साथ जरूर सेट करें। उसके बाद अब मैं यहाँ पे अपनी आईब्रो को कर रही हूँ फिल। तो जब भी आप आईब्रो को फिल करें तो बहुत ज़्यादा डार्क कलर मत लेना, ब्लैक कलर तो बिल्कुल भी मत लेना, इसको डार्क ब्राउन के साथ आप फिल करना। तो फिल करने के बाद उसको मैं इस तरीके से आईब्रो ब्रश के साथ उसको मैं अच्छे से स्मज कर दूंगी, ब्लेंड कर दूंगी। ब्लेंड करने के बाद अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ हाईलाइट। तो आप चाहे तो पहले आई शेडो लगा सकते हैं फिर हाईलाइट कर सकते हैं, और चाहे तो आप पहले हाईलाइट कर सकते हैं फिर आई शेडो लगा सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं हाईलाइट कर रही हूँ, उसके बाद लगाऊँगी आई शेडो। ये वेट आई शेडो है, ये फिंगर से काफ़ी ज़्यादा ईजी है, आपको ब्रश से भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ फिंगर में शेड लेना और आपको डायरेक्ट अप्लाई कर देना। और उसके बाद मैं ब्रश में लूँगी गोल्डन कलर का आई शेडो, ठीक है, जो कि मैं इसके ऊपर सेट कर दूँगी। आप उसको उस तरीके से भी छोड़ सकते हैं और चाहे तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं डार्क ब्राउन कलर का शेड ले रही हूँ, मैट कलर, और जिसको मैं अपने आउटर कॉर्नर पर इस तरीके से लगा दूँगी। तो मैं थोड़ा सा स्मोकी लुक क्रिएट करना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने ये वाला कलर लिया। आप चाहे तो उसको बिल्कुल एज इट येलो में भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप इसे इस तरीके से लुक कैसे क्रिएट करना है देखो वो आपके हाथों में, ठीक है। तो आप चाहे तो सिंपल रखना चाहते हैं सिंपल कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा उसमें क्रिएटिविटी करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से
अपने लुक को क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, सिर्फ आपको उसमें ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इस तरीके से देख रहे हैं ब्रश कितना मैं चला रही हूँ, इसका मतलब मैं एक ही जगह पर मैं उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। तो ब्लेंड करने के बाद यहाँ फिर मैं ले रही हूँ पिंक कलर आई शेडो और उसको अपनी क्रीज लाइन के ऊपर से ब्लेंड आउट कर दूँगी। क्रीज लाइन आपकी रखी हुई नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ आई लाइनर। लाइनर आपकी चॉइस है, आप चाहें तो इसे पतला मोटा कैसे भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लाइनर लिया है ब्लू हेवन का, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। उसके बाद मैं मेबलिन का मस्कारा ले रही हूँ। तो जब आप लैश लगा रहे हैं तो लैश लगाने से पहले आपको मस्कारा ज़रूर लगाना है। और नीचे भी मैं लगा लूँगी कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे मैं अपनी वॉटरी लाइन में लगाऊंगी वाइट कलर का बेस। यहाँ पे आप, अगर आपके पास पेंसिल नहीं है ना वाइट कलर की, तो आप फाउंडेशन को भी इस तरीके से लगा सकते हैं। तो अभी मैं आई लैशेज पर ग्लू लगाकर इसको 30 सेकंड के लिए सूखने के लिए रख दूँगी। उसके बाद मैं लगाऊंगी यहाँ पे ब्लशर। ब्लशर के बाद अब मैं कर रही हूँ हाईलाइट। तो हाईलाइटर लगा रही हूँ। हाईलाइटर आपको अपर लिप्स के ऊपर लगाना है, ठीक है, चिक्स के हायर पॉइंट पर लगाना है, नोज़ पर लगाना है, और आप चाहें तो हल्का सा फोरहेड पर भी लगा सकते हैं। तो हाईलाइटर ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके पूरे लुक को चेंज कर सकती है। जो ग्लो लेकर के आती है वो हाईलाइटर ही है। तो हाईलाइटर को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना अपने मेकअप में। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिप लाइनर को लगा के छोड़ दिया है और अभी मैं लगा रही हूँ आई लैशेज। तो आई लैशेज लगाना बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, उसके बाद मैं लैशेस लगाने के बाद एक बार और अपने लाइनर को टचअप दे रही हूँ, क्योंकि लैशेस लगाने के बाद ना लाइनर की जो शेप है वो थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि वो गड़बड़ हो जाती है। तो फिनिशिंग देने के लिए एक बार लगाना ज़रूरी होता है। और जब आप लाइनर लगाएं तो अपनी फिंगर को ना आई लैशेस के ऊपर इस तरीके से कर लें, क्योंकि जो लाइनर होता है वो आपके लैशेस पर भी लग जाता है। तो उसको क्लीन कर लें। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ रेड कलर की लिपस्टिक। लिपस्टिक लगाने के बाद मैं ब्रश में ले रही हूँ डार्क ब्राउन कलर का आई शेडो और उसको अपनी लोअर लैश लाइन पर लगा रही हूँ। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगी रेड कलर की बिंदी। बिंदी आपकी मर्जी है, आप चाहे तो स्किप कर सकती हैं, चाहे तो लगा सकती हैं। बिंदी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं लगा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं पहन रही हूँ ज्वेलरी। ये ज्वेलरी आपको इजीली मार्केट में मिल जाती है और इसी से ही आपका पूरा गेटअप चेंज हो जाता है। सबको पता चल जाता है कि आप ही हैं वो जिनकी आज हल्दी है। सो यहाँ पे मैं इस तरीके से ब्रेड बना रही हूँ। आप चाहे तो ओपन रख सकते हैं, चाहे तो बालों को कर्ल कर सकते हैं, चाहे तो बन बना सकते हैं। तो मोस्टली मैंने देखा है कि लड़कियाँ अपनी हल्दी के समय पर बालों को खोलना या फिर उसको ब्रेड बनाना ज़्यादा पसंद करती हैं। तो वो आपकी चॉइस है, आप किस तरीके से उसको रखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं लगा लूँगी टीका। इसको रोल कर रही हूँ, आप चाहे तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ये लुक आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हैं वो भी आप बता सकती हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँ। तो ये मेकअप अंदर है रूम के अंदर का और इसको मैं और सनलाइट में, बाहर के लाइट में ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये मेकअप बिल्कुल भी ओवर नहीं लगेगा अगर आप उसकी ब्लेंडिंग अच्छे कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर सो मच कि आपने वीडियो को पूरा देखा। एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना एंड प्लीज़ शेयर कर देना। अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना।